लैणा सरदार लैणा सिंह 77 सिख राइफल्स जनाब। ओए सरदार लैणा सिंह किस दी यादा विच गुम पई? ओए कुछ नहीं वजीरे, अमृतसर दी याद आ गई। अमृतसर दी? ओए अमृतसर में किसकी? तांगे वाले की। तांगे वाले की? और तांगे वाला भी कोई याद करने की चीज है? ओए समझा, जरूर तांगे में बैठा के कुड़ी कुवाई होगी। तांगे वाले की कल कोई नहीं करेगा। ओ क्यों भाई, तांगे वाले ने तेरा की बिगाड़ दिता? ओ हमारे शहर के तांगे वाले ना इतनी कड़वी जुबा बोलते हैं कि उनके जुबा के कोड़ों से अच्छे अच्छों की पीठ छिल जाती है। ओ फिर तो तेनू हमारे अमृतसर आना चाहिए और वहां के तांगे वालों के बोल सुनने चाहिए, तोड़ा दिल बाग बाग हो जाएगा। ओ जी कैसे? ओ कैसे? ओ बताओ की जीवन साफ सुने बिना किसी को हटना पड़े। ऐसी बात नहीं है कि इनकी जुबान चलती नहीं। और जी चलती तो है पर मिट्टी चुरी की तरह मार करती है। वो तुम्हारी बहन थी, आज तो इन जर्मनियों का तर्पण मैंने ही करना है। अच्छा जा, अरे जा ना, निकाल तो अपना कहानी है साफ़ बाहर। वो चटाक की गोली ना पड़े ना तो कहना। ओ भूतिया, तेनू पता है दुश्मन कहाँ छुपे हुए हैं? मिट्टी में लेटे हैं या घास की पत्ती से भी छुपे हुए हैं? मैं इन्हें नहीं छोड़ना, जा अंदर। अरे लेकिन करे तो करे क्या यार, जमीन कहीं दिखती नहीं और घंटे दो घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले जो धमाके। अब इनके भी गोले से कोई बचे तो लड़े। हाँ भाई, नगर कोट दा जलजला सोना था, लेकिन एथे दिन में 25 जलजले होते हैं। ओए पाजी कही के? ओए महासिंह ठंड रखो। ओए अखन तक मैं कम ठंड जो और ठंड रखे। पाजी कही के? संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं, पैर पकड़ने लगते हैं, यूं अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था याद है? 4 मील तक इक्को जर्मन नहीं छोड़ा था। वो तो जनरल साहब ने पीछे हटने का हुक्म दे दिया था, नहीं तो मैं चलो पहुंच जाते। क्यों विश्राम, लड़ाई के मामले जमादार के नायक के चलाए नहीं चलते। मां से ओए बड़े अफसर में से दूर की सोचते हैं, 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ भी गए तो क्या होगा? वो सुबेदार जी सच है, पर करें तो करें क्या, बिन फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिन लड़े सिपाही। और जी एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए, क्यों भाई? और मैंने तो संगीत चलाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनियों का किला मार कर ना लौटूं तो दरबार साहब की दहलीज पर मत्था रखना नसीबदार हो। उद्मी जनाब, चिकनी में गोले डाल। उद्मी ओए जंग का अपमान दे, ओए साथ में 70 जर्मन मारेंगे। बोले सोनिहाल सब ठीक है? जी बाबूजी, बस थोड़ी ठंड ज्यादा है। ओए बोधिया, ओ तो वर्दी के साथ एक बरान कोट और 2 कंबल लेके बैठा हुआ है और फिर भी तो ठंड लग रही है। आ ले तीसरा कंबल। हमें इतनी जल्दी कमजोर नहीं पड़ना है। और ये तो थोड़ी पहली जगह है और तू इतनी जल्दी ठंडा पड़ गया। इन जर्मनी को दिखाना है 77 सिख राइफल कदम पर। हां चल जल्दी ठीक हो जा। जी बाबूजी।
लो जी शुरू हो गई बाप बेटी दी कहानी। सुबेदार जी तुसी बोदा दी फिक्र ना करो, ओ जी हम सब है ना यहाँ। ओ कैसे फिक्र ना करूं लेना, ओ बोदा इकलौती संतान है मेरी, इससे पहले भी चार संतान खो चुका हूं मैं। ओ तू भी तो एक बेटे दा बाप है, एक बाप का दुख तो तू समझ ही सकता है। कोयला चिपक गया। जनाब, शाम हो गई, ये खाई का पेरा बदल दे। जी जनाब। लेना वजीरा किशन करतार। जनाब। तुम चार लोग खाई का गंदा पानी बाहर फेंको। जी जनाब। सूबेदार जी मैं पूछ रहे सी रिलीफ कब तक आएगी? 3 दिन और बचे, फिर 7 दिन की छुट्टी। कौशक। नहीं जनाब। लो जी आही बच गया था जिंदगी में, या तो खाई में पड़े रहो या खाई दा गंदा पानी बाहर पिको। ओ सुना नहीं, 3 दिन और है, 3 दिन बाद रिलीफ आ जाएगी, फिर करना जी भर के आराम। ओ फिर तो अपने हाथों झटका करेंगे, खा पी कर सो आएंगे उसी फिरंगी में मतलब बाग विच। ओए किसकी याद दिला दी, ओए फल और दूध की वर्षा कर देती है, लख कहते हैं पर दाम नहीं लेती, कहती है तुम मेरे मुल्क के राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। अपनी बाड़ी के खरबूजों में कंदक दा पानी दे, ओए ऐसी खाद दा पानी पूरे पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ भाई देश ना स्वर्ग है, मैंने तो सोच लिया सरकार से लड़ाई के बाद 10 दुमा जमीन ऐसे ही मांग लेनी है। अभी खूब पला दे बूटे लगाने। और फिर पड़ जाए इन्हें भी यहीं बुला लोगे, या फिर वही दूध पिलाने वाली गाड़ी में। चुप कर जा, कुछ शर्म वरम है कि नहीं? देश देश दी चाले पाई, आज तक सुरंगी मैम ने यह समझा ना सकिया कि सिख तंबाकू नहीं पींदे, लेकिन ओ है कि मारती नहीं, सिगरेट देने में हट कर दिए, ऑटो से लगाना चाहती है, और मैं पीछे हटता हूँ तो समझ के राजा पूरा मान गया, अब मेरे मुल्क के दिल है लड़ाने। ओ हो गया जी। ओ जी ठीक है जी, कल देखांगे चलो। ओ एक तो ये ठंड और ऊपर से ये कंदक का ठंडा पानी, ओए सिगरेट भी बुझ गई। ओए आदमी सिगड़ी में कोले डालो, और लेना अब तू बोल यार। उदमी सिगड़ी में कोले डाल दे यार। अरे ओ यारा, अरे ओ सरदारा, सिगड़ी जला दे भाई। लेना तू बोल रहा है तो जला रहा हूँ। खोतिया ठंड लगी हुण ओए सरदारा सिगड़ी तो जला, ठंड लगी हुण ओए सरदारा सिगड़ी तो जला, याद किसी की आई यारा सिगड़ी तो जला। ये ठंड है ऐसी ठंड के जैसे डंड हुए हम, खंड न कर पा खंड के सिगड़ी ना काफी, ओए ओए 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 के सिगड़ी ना काफी। रहा है हुण एक तारा थोड़ी ठंड रखो दिलदारा, बज रहा है हुण एक तारा थोड़ी ठंड रखो दिलदारा, अरे कितनी ठंड रखूं मैं देखो कितना गिर गया पारा, अरे कितनी ठंड रखूं मैं देखो कितना गिर गया पारा, अरे कितना गिर गया पारा देखो कितना गिर गया पारा।
ठंड के सिगड़ी ना काफी होय होय 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 सिगड़ी ना काफी छूट रही हो ओ कब कब ही छूट रही है तो छोड़ दे पकड़ के क्यों बैठा हुआ है ओ तेनु तो मैं खोतिया क्यों है बड़ा इतना सब करने के बाद भी ठंड लग रही है दांत बज रहे हैं मेरी जर्सी पाले और तुम ओ मेरे पास सिगड़ी है और मैनू तो गर्मी भी लग रही है ये देख पसीना आ रहा है ओ ना मैं नहीं पहनता याद आया वो मेरे पास दूसरी गरम जर्सी आज सवेरे आई है वो विलायत से बुन बुन के भेज रही है मैं गुरु उनका भला करे बोले चली आराम कर ओ वजीरे पैरों बदल ले ओ आराम कर ले भाई ओ की होया कुछ नहीं ओ कुछ तो दस मैनू ओ दस भी सरदार लेना सिंह मैनू सब पता है की फिरंगी मेहमती जर्सी वाली कहानी केवल कहानी है अच्छा तेनू सब पता है ओ खोतिया कहीं तू ना बीमार पड़ जाना जाड़ा की है मौत है और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे ना मिला कर दे ओए मेरी फिक्र ना कर मैं ऐसे नहीं मरूंगा मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा भाई कीरत सिंह की गोद में मेरा सर होगा और मेरे लगाए हुए आम के पेड़ की छाया होगी वो तब जाके कहीं सुकून दी नींद आएगी ओए की मरण मरण दी गल लगाई हो यार मरे जर्मनी और तुरक की है रात भर तू अपना कंबल ओनू उड़ाता है और खुद सिगड़ी दे सारे गुजर करता है तू आज गल दस मैनू तू क्यों करता है बोधा के लिए इतना उसने कहा था कि ओ रहने दे वजीरे तू नहीं समझेगा ओए क्यों नहीं समझांगा तू गल दस मैनू आज तू गल दस तेनू मेरी सो वो 25 साल पुरानी बात है अमृतसर दे तंग चक्करदार गलियां विच एक लड़का और एक लड़की मिलते हैं दोनों में कुछ देर बातें होती हैं तेरे घर किधर है मगरे में और तेरे मांझे में यहाँ कहाँ रहती है अतर सिंह की बैठक में वे मेरे मामा होते हैं और लड़का लड़की से पूछ बैठता है ओ सुन तेरी कुड़मई हो गई दत्त और लड़की लड़की दत्त कह के भाग जाती है और फिर दोनों कभी दूध वाले के यहाँ तो कभी सब्जी वाले के यहाँ अकस्मात ही मिल जाया करते थे लड़का हर बारी एक ही गल पूछता तेरी कुड़मई हो गई और उत्तर में वही दत्त मिलता और एक बारी हुई चिड़ान वास्ते लड़के ने लड़की से फिर पूछा तेरी कुड़माई हो गई लड़की फिर दब के करवा गई होगी नहीं होए इस बारी लड़की लड़के के संभावना के विरुद्ध बोली हाँ हो गई देखते नहीं फिर रेशम से खड़ा हुआ फूलों वाला सालू इतना कह के लड़की घर को चली गई लड़के ने अपने घर दी राह ली
रास्ते में कुत्ते नु पत्थर दे मारा, एक लड़के नु मोरी में धकेल दी, एक गोभी वाले के ठेले पे दूध उड़ेल दिया, किसी नहा के आते हुए वैष्णवी से टकरा के अंधे दी उपाधि पाई। वो दिन लड़के नु क्रोध आया, दुख होया। क्यों होया? सुबहदार हजारा सिंह। कौन? लेफ्टिनेंट साहब। जनाब, सुबहदार को इसी वक्त बुलाओ, बहुत जरूरी बात है। जी जनाब। अभी इसी वक्त धावा करना होगा। यहाँ से ठीक एक मील की दूरी पर एक जर्मन खाई है, वहां पर 50 से ज्यादा जर्मनी नहीं होंगे। इन पेड़ों के नीचे से दो खेत काट कर रास्ता है, वहां पर अपने 15 जवान छोड़कर आया हूँ। यहाँ पर सिर्फ 8 आदमी छोड़ो और बाकी सबको अपने साथ ले जाओ, और खंडक छीन कर वही बने रहना जब तक अगला हुक्म ना मिले। कोई शक नहीं जनाब। जनाब आप भी साथ चलेंगे? नहीं, हम यही रुकेगा, तुम जाओ। जी जनाब। सतहत्तर की राइफल। जनाब, जंग का हुक्म आ गया है, अभी इसी समय धावा करना होगा। यहां से मील भर की दूरी पर एक खाई है, और वहां 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। यहां से आगे दो खेत काटकर एक रास्ता है, वहां हमारे 15 जवान खड़े हैं, उनसे जाकर हमें मिलना है। वो खंडक छीनकर वहीं डटे रहना है जब तक कोई दूसरा हुक्म ना मिले। कोई शक? कोई शक? यहां रुकने में कोई शक ना है जनाब, लेकिन आप नाम लेकर बता दो कौन कौन साथ चलेगा। मैं तो नहीं रुकूंगा जनाब। मैं भी नहीं रुकूंगा जनाब। मैं भी नहीं रुकूंगा जनाब। मैं भी ना रुकूंगा जनाब। सुनो लेना, वजीरा, किशन, करतार, दिलबाग, बलबान, बोधा, यहीं रुकेंगे। और उर्मी जनाब, तुम सिगड़ी में कोयले डालते रहना। जी जनाब। हम जंग से लौटते हैं। बोलो सोनियल। लो, तुम भी पियो। मैं लाओ साहब। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? जंग खत्म होना पा क्यों, क्या ये दस्त में पसंद ना है? जी नहीं जी, शिकार के वे मजे यहाँ कहाँ। जी याद है पर साल हम और आप शिकार खेलने गए थे? हाँ हाँ बिल्कुल। ओ जी वही, जब आप कुत्ते पे सवार थे और आपका खान साहब अब्दुल्ला मंदिर पे मूर्ति पे जल चढ़ाने रह गया था। हाँ बेशक था जी कहीं का। और आओ जी, और वो नील गए, ओ जी इतनी बड़ी कि मैंने कभी देखी नहीं, और आपकी एक गोली कंधे पे लगी वो पुट्ठे से निकली। और जी ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने के मजा ही अलग है। क्यों साहब,
वो नीलगाय के सिंह 6-6 फीट के तो होंगे। हाँ लैणा, 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने अब तक सिगरेट क्यों नहीं पिया? पीता हूँ साहब, अभी आया। उनकी वर्दी पहनकर कोई जर्मन आया है। सौरभ साफ उर्दू बोलता है। सुबेदार जी ने उसका चेहरा नहीं देखा, मैंने देखा है। ये देख, मैंने पीने वास्ते सिगरेट दी। तो अब होए मारे गए, धोखा हुआ है। उत्ते सुबेदार जी कीचड़ विच चक्कर काटेंगे, फिर ते खंडक विच धावा होगा। होए एक काम कर, जा पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जा। सुबेदार जी से कहना खंडक की बात झूठ है, फौरन लौटे। हो जा, रुक नहीं लड़ा, हुकुम तो है। ऐसी की तैसी हुकुम दी, मेरा हुकुम जबरदार लहरा सिंह का हुकुम। जिस वक्त यहाँ का सबसे बड़ा अफसर है उसका हुकुम। हम तो सिर्फ यहाँ चुप कर खोतिया, 8 नहीं 10 लाख, एक एक अकाल सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। ये सब अपनी अपनी जगह ले लो, तब मैं लखन साहब की खबर लेता हूं। फौजमी बुद्धा का ख्याल रखी। जी क्यों लफ्टन साहब, मिजाज कैसा अब? और मैंने ना आज बहुत सी बातें सीखी। और ये सीखा कि मुसलमान खान सामा अब्दुल्ला मूर्ति पर जल चढ़ाता है। I'm sorry. और मैंने ये सीखा कि सिख तंबाकू पीते हैं। ओए सिख तंबाकू नहीं पीते। मुझे माफ कर दो। ये सीखा कि लफ्टन साहब खोते भी सवार होते हैं। और ये तो बता, इन साहब उर्दू तूने सीखी कहां से? वो हमारे लफ्टन साहब तो विन डैम के 5 लफ्ज भी ना बोल सकते थे। चलाक तो बड़ा है, पर मांझे के लैणा को चकमा देने वास्ते ना 4 आंखें चाहिए दी। वो लफ्टन साहब 5 साल से रेजिमेंट में थे, तेणु की लगता है। ओ चल, मैं आज तेणु एक कहानी सुनाता हूँ। वो हमारे गांव में ना एक मौलवी आया था, औरतों को बच्चा पैदा होने की तवीज बांटा करता था। वो एक दिन मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मोड़ दी। कुछ नहीं, एक हल्का हुआ कुत्ता आया था, मार गया। आ,
उतर अंदर जा, गोदा को लेके कहीं के दूसरे छोर पे जा, कभी भी दावा हो सकता है। और तू अंदर जा, छत्ती कर। सुबेदार जी, आपके जाने के बाद मैं बाहर गया तो मैंने शक होया कि हमारा लप्टन साहब नहीं है। और मैंने पक्का यकीन तब होया जब उसने मैंने पीण वास्ते सिगरेट दी। लेकिन तूने अंधेरे में पहचाना कैसे? ओ अंधेरे में ना सुबेदार जी, उद्मी की सिगड़ी के उजाले में। ओए उद्मी की सिगड़ी कमाल कर गई यार। ओ उद्मी, ओ सिगड़ी में कोयले डाल। ओए उद्मी कहाँ है? ओ मैंने पूछा उद्मी कहाँ है? चुटता था जनाब, साथ बोले थे एक मंजर है सामने जीत का हार का जाने ना ये मन मेरा एक आंसू है आंखों में वार का जाने ना ये मन मेरा सिगड़ी में कोयले डाल वो परिंद
दे उड़े बिजलियों से लड़े आसमां भी ठहरा खड़े ही खड़े याद ही रह गई फूल की डाल पे जीत क्या हार क्या जाने ना ये मन मेरा जाने ना ये मन मेरा। ओए बलवान ओ घायलों को पट्टी बंधवा। जी जनाब। लेना तेनू की होया तेनू गोली लगी है चल पट्टी बंधवा। सुबेदार जी छोटा सा ही घाव है सवेरे देखांगे। गड्डी तैयार है जब दो लोग आते जगह खाली है। वो लेना वो पौधा दोनों जाओ गड्डी में चढ़ जाओ। ना सुबेदार जी मुझे उधर ले जाके गड्डी में बैठा मैं आता हूँ। ओ जा सुबेदार जी आप भी गड्डी में चढ़ जाओ आपने कंधे में गोली लगी है। ओ लेना मैं तेनू छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ओ सुबेदार जी ये 70 जर्मन मेरा कुछ ना बिगाड़ पाए तो छोटी सी गोली मेरा क्यों बिगाड़ेगी। मुझे देखो देखो मैं ठीक हूँ। लेना आप नहीं सुबेदार नहीं हो बोला नहीं कसम जिस गड्डी में ना चढ़ गए तो जाओ सुबेदार जी। ख्याल रख सुबेदार जी सुबेदार नहीं हो रहा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिखना घर जाओ तो कह देना कि उसने जो कहा था वो मैंने कर दिया। और लिखना कैसा वो साथ ही घर चलेंगे अपनी सुबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था। सुबेदार जी अब जाओ जो मैंने कहा था वो कह भी देना और लिख भी देना। और ठीक है लेना सब रखा वो बोलता गड्डी में बैठ गया। हाँ जी बैठ गया। तू मुजरे 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 क्या लेना पानी पिला दे तेरे पसली भी गोली लगी है। ओए खोत्या तूने पहले क्यों नहीं दे दिया रुको तो रोको ओ सुबेदार जी गड्डी रोको ओ गड्डी रोको ओ गड्डी रोको साडे यार नु गोली लगी है ओए कोई तो गड्डी रोक दो। अजी लेना अजी लेना अजी पानी पिला दे चलो मैं तेरे ले चलता ऊपर की ना लौट दे पानी पिला दे गला सूख रहा है। ओ लेकिन गांव गया रहा है जा तेरे अस्पताल ले जाना जरूरी है जो तू कर वो अरे अरे Yeah.
गोली लगी सी लेकिन तेनू पसली में गोली लगी है। आए क्यों किया तूने ऐसा? किसने कहा था? ओए किसने कहा था? कब कहा था? बजरे वो कुड़ी याद है? कुड़ी मैं हो गई दत्त। याद याद तो उस बात में 25 साल हो गए। याद ही ना रही। लेकिन जब मैं भी छुट्टी पे गांव गया था तो रेजिमेंट से चिट्ठी मिली कि फौज लाम पे जाती है, फौरन लौटा। चिट्ठी तो मैंने भी मिली थी, चिट्ठी में तो मैं भी था। रेजिमेंट की चिट्ठी के साथ साथ सुबेदार जी की भी चिट्ठी मिली। लड़ा लिखा था गांव होते हुए ना साथ चलेंगे। गांव पहुंचा तो सुबेदार जी दाढ़ी में से निकल के बोले, बोले ना वो सुबेदारनी तेनू जानती है, जा जाकर मिला। सुबेदारनी मैनू जानती है? मैं क्या जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सुबेदार जी कह रहे से आप मैं जान रहे हो? हाँ। मुझे कैसे? तेरी कुड़माई हो गई। उसने कहा था एक बार मुझसे, रब जानता है। उसने कहा था, मैंने तो तुम्हें आते ही पहचान लिया था। सुना है सुबेदार जी बुधिया के साथ तुम भी जंग पर जा रहे हो। कर भी क्या सकते, सरकार ने सुबेदार जी को बहादुरी का खिताब दिया है, लालपुर में जमीन भी दी है। आज नमक हलाली का बखत आया है, जंग पर तो जाना ही होगा। पर सरकार ने हम तीमियों की घंगरिया पलटन क्यों ना बना दी, जो मैं भी तुम लोगों के साथ जंग पर चल देती। मेरा बुधिया इकलौता बेटा है मेरा, उसके पीछे 4 हुए लेकिन एक भी ना जिया। अब सुबेदार जी और बुधिया दोनों जंग पर जाते, मेरे प्राण, मेरे भाग, मेरे सब कुछ। ओए तेनू याद है अमृतसर में तेने मुझे कितनी बार बचाया था? वो साइकिल वाला और वो तांगे वाले का घोड़ा जो दही वाले की दुकान पर बिगड़ गया था, खुद घोड़ों के टापों के नीचे आ गए थे, मुझे झट से उठाकर तख्त पर खड़ा कर दिया था, याद है? सुनो, एक अरज है मेरी, जैसे तुमने मेरे प्राण बचाए थे वैसे ही इन दोनों की रक्षा करना। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। यार प्यार मांग ले या जान मांग ले, तू ये मेरी जमीन आसमान मांग ले। अब यार प्यार मांग ले या जान मांग ले, तू ये मेरी जमीन आसमान मांग ले। तेरे दर्द पे जो
उसने कहा था एक बार मुझसे, रब जानता है उसने कहा था, उसने कहा था। भाई को बुला दे, किट सिंह ने बुला दे, किट सिंह, ओ जा, चुप कर, ओ भाई किरण सिंह, लड़ा तेनु बुला रहा है। किट भाई, लड़ा इत बैठो मेरे नाल, लड़ा मेरा सर रख लो, रख लिया भाई, तड़प भतीजा कैसा है, तड़प भतीजा कैसा है, अच्छा अंदर केड़ रहा है लड़ा, आम का पेड़ खूब पलेगा लड़ा, तड़प चट्टा चच्चा भतीजा मिलके खूब हम खाना, तड़ू याद है जिस साल तड़ा तड़प भतीजा हुआ था, जिस साल हमको पेड़ भी लगाया था, आ लड़ा कितना बड़ा हो गया लड़ा, और पीछे कुछ लोगों ने अखबारों में पढ़ा फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदानों में घावों से मरा 77 सिख राइफल्स, जमादार लहना सिंह। अमृतसर दी हवा में रब वसदा, इश्क मोहब्बत दी कहानियों में हसदा, अमृत सर दी हवा में रब वसदा, इश्क मोहब्बत दी कहानियों में हसदा, यार मिले रब भी मिले ये गलियां है कहंदी, माहियां वे छेती छेती, माहियां वे छेती छेती, माहियां वे छेती छेती आ,
बाली वर्गा सोना मेरा माहिया नजर नलावे कोई नजरा उतारिया दे हुआ दीपाली वर्गा सोना मेरा माहिया नजर नलावे कोई नजरा उतारिया सर सो देखे ताविच बहेंदी हवा वाकेंदी महिया वे चेती चेती आवे महिया वे चेती चेती